हरियाणा में हुड्डा के गढ़ में पीएम मोदी की हुंकार, कहा सरकार के 100 दिन विकास और देश में परिवर्तन के रहे, हरियाणा का हर परिवार अब मनोहर का बन गया है। इसरो को लैंडर विक्रम का पता चला, लैंडर विक्रम से अभी कोई संपर्क स्थापित नहीं, ऑर्बिटर से मिली तस्वीरों से लैंडर विक्रम की मिली खबर। गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, 2 दिवसीय दौरे में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के सामान्य सत्र में लेंगे हिस्सा, पूर्वोत्तर के सभी मुख्यमंत्रियों से भी अमित शाह की मुलाकात तय। अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का ऐलान मुमकिन, दिल्ली में सोनिया गांधी किसी युवा चेहरे पर लगा सकती हैं दांव। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय, सूत्रों के मुताबिक शिवसेना को बीजेपी से मिल सकती है 50 सीटें कम। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर समेत कई इलाकों में कर्फ्यू जैसी पाबंदियां, लाल चौक को तारबंदी से किया गया सील, जनता को दी जाने वाली सेवाओं को भी रोका गया। मुलायम सिंह यादव के आह्वान का दिखा असर, सोमवार को आजम के समर्थन में अखिलेश यादव रामपुर में भरेंगे हुंकार, आजम पर 80 से ज्यादा मुकदमे हैं दर्ज। विश्व साक्षरता दिवस पर सामने आया भारत में शिक्षा की स्थिति का सच, देश की 28 करोड़ जनसंख्या है अशिक्षित, बिहार तेलंगाना सबसे पीछे। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की सेहत में सुधार, पहले से बेहतर काम कर रही है किडनी, शनिवार को उपेंद्र कुशवाहा ने की लालू यादव से मुलाकात। केंद्र की सत्ता में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे, उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी ने किया मोदी सरकार के कामकाज का बखान, कहा सरकार ने हमेशा देशवासियों की भलाई के लिए काम किया। जम्मू कश्मीर में अपनी हरकतों से बाज नहीं आया पाकिस्तान, नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने किया सीज़फ़ायर का उल्लंघन। नहीं रहे देश के मशहूर वकील राम जेठमलानी, 95 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, काफी लंबे समय से थे बीमार, राष्ट्रपति और पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। हांगकांग में उग्र हुआ प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने रोकी रेल सेवा, कोवलून इलाके में मेघधाने का भी किया घेराव। नासा से लेकर दुनिया के कई देशों ने इसरो को सराहा, कहा चंद्रयान 2 ने हमें भी प्रेरणा दी, नासा ने भविष्य में साथ काम करने की जताई इच्छा। इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 करोड़ रुपए के निवेश के लिए वित्त मंत्रालय ने बनाई टास्क फोर्स, निवेश करने लायक सेक्टर्स की पहचान करेगी टास्क फोर्स, 100 करोड़ से ज्यादा का होगा प्रत्येक प्रोजेक्ट। सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के लिए राहत, बकाया राशियों को लेकर बनी सहमति के बाद ईंधन आपूर्ति फिर से शुरू, लेनदारी बढ़ जाने से ईंधन की आपूर्ति 22 अगस्त से कर दी गई थी बंद। पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका, श्रीलंकाई खिलाड़ियों के दौरे पर जाने से इनकार, श्रीलंका को सितंबर अक्टूबर में पाकिस्तान दौरे पर खेलनी है सीमित ओवरों की सीरीज। आज होगा यूएस ओपन में पुरुष एकल का फाइनल मुकाबला, 5वीं बार यूएस ओपन के फाइनल में उतरेंगे स्पेनिश टेनिस स्टार राफेल नडाल, फाइनल मुकाबले में नडाल के भिड़ंत तो रूस के डैनिल से होगी। टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस 13 का तीसरा प्रोमो रिलीज, नए प्रोमो में सलमान खान ने बताया ये सीजन थोड़ा टेढ़ा रहने वाला है जिसमें कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। और छिछोरे की बॉक्स ऑफिस पर बड़ी उछाल, फिल्म में रिलीज के दूसरे दिन की 12 करोड़ 25 लाख की शानदार कमाई, फिल्म के स्क्रिप्ट और डायलॉग्स को फैंस ने किया काफी पसंद।